नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि ये लॉजिक गेट से रिलेटेड है। यहाँ पर चार ऑप्शन में कुछ लॉजिक गेट्स दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑपरेशन है वो रिवर्सेबल ऑपरेशन है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ रिवर्सेबल ऑपरेशन, ठीक। तो रिवर्सेबल ऑपरेशन किसको बोलेंगे, मतलब जैसे कोई ऑपरेशन होता है, कुछ इनपुट डालते हैं, कुछ हमें आउटपुट मिलता है। अगर आउटपुट को हम लोग इनपुट बना दें और इनपुट आउटपुट हो जाए, है ना, इनपुट डालने से आउटपुट निकलता है, अगर आउटपुट को ही हम लोग इनपुट बनाएं और इनपुट जो था वो आउटपुट बन जाए तो उसको रिवर्सिबल कहेंगे, है ना। मतलब कि जो डेटा है वो रिकवर हो जाए वापस तो उसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, जैसे कि नॉट गेट में होता है। नॉट गेट में क्या होता है कि जैसे एक होता है जीरो तो वो हो जाएगा आउटपुट, अगर इनपुट जीरो होता है तो आउटपुट वन हो जाता है ना, और इनपुट वन होगा तो आउटपुट जीरो हो जाएगा, है ना। तो अगर आउटपुट को इनपुट बना दें तो भी दोनों रिकवर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, है ना। नॉट गेट में क्या होता है, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट, है ना। तो जब इनपुट जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा वन, और जब इनपुट वन रखेंगे तो ये हो जाता है जीरो। तो देखेंगे अगर आउटपुट वन मैं इसको अगर इनपुट रख दूं तो आउटपुट जीरो आ जाएगा, ये वाला केस आ जाएगा, है ना। अगर आउटपुट जीरो रखता हूँ, आउट इनपुट को जीरो करूँगा तो आउटपुट वन, ये वाला आ जाएगा, ये वाला केस, है ना। तो इसमें जो है डेटा रिकवर हो सकता है। तो जैसे नॉट गेट है वो रिवर्सिबल ऑपरेशन है ना। मतलब इसमें क्या है, रिवर्सिबल होने के एक और जो है कंडीशन ये होना चाहिए कि एक इनपुट और एक आउटपुट होना चाहिए, है ना। इसमें देखेंगे कि जो तीन है, तीन में दो इनपुट एक आउटपुट दिया गया है, एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि एक इनपुट एक आउटपुट है, तो ये इनपुट डालने से आउटपुट मिलता है। तो हो सकता है इसमें कि ये आउटपुट डाले, इसको इनपुट करें तो वो आउटपुट मिल जाएगा, है ना। तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन, है ना। तो सेकेंड ऑप्शन जो है ये रिवर्सिबल ऑपरेशन हो सकता है।